Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you students? I hope you all are happy and healthy. So my dear student, this is our Urdu class. In this class, we will learn a new topic, that is char harfi alfaz. तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? चार हर्फी अल्फाज means four letter words. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड्स जिसमें चार हर्फ आते हैं. कितने? चार हर्फ. एज वी हैव लर्न प्रीवियसली, दो हर्फी अल्फाज, तीन हर्फी अल्फाज, लाइक दिस. टुडे वी विल लर्न चार हर्फी अल्फाज, हाउ टू राइट देम और उन्हें कैसे लिखते हैं ये भी सीखेंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो माय डियर स्टूडेंट्स, सी, कैन यू टेल मी हु इज ही? ये कौन है? यस, ये टेलर हैं, ये कपड़े सिलते हैं. ओके, सो सी, इन उर्दू वी से, इनको हम क्या बोलेंगे? दर्जी. ओके, सो दर्जी, दर्जी इज अ फोर लेटर वर्ड्स. इन द वर्ड दर्जी इट कंसिस्ट ऑफ चार हरफ. कितने हरफ हैं? चार हरफ. द, र, जी, जे और ये. सो माय डियर स्टूडेंट, सी हाउ वी राइट द वर्ड दर्जी. सी हाउ वी राइट, दाल, रे और दाल के ऊपर जबर भी लगाएंगे. दाल जबरदा, रे दर जी, जे छोटी, ये जे के नीचे जेर, दर्जी. दिस इज हाउ वी राइट दर्जी. ओके माय डियर स्टूडेंट, सी आप यहां पर देख रहे हैं कोई भी हरफ आपस में जॉइन नहीं हो रहा है. तो ये कौन से हरफ हैं? ये खड़े हरफ हैं. दाल, डाल, रे, अड़े, जे, जे, ये सब खड़े हरूफ हैं. ये इनकी एंड फॉर्म में किसी भी लेटर से या इनिशियल फॉर्म में जॉइन नहीं होते. ओके, एंड ये भी इसकी लास्ट फॉर्म है, इसको भी हम अलग ही लिखेंगे. ओके, सो वी हैव टू राइट लाइक दिस. सो सी माय डियर स्टूडेंट्स, कैन यू सी? यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? Yes, this is a vegetable. And can you please name this vegetable? Yes, in Urdu we say arvi, arvi. So, yes, see how we write the word arvi. Arvi को हम कैसे लिखेंगे? See, alif, zabar a, re, waw. जेर वी, एर छोटी, ये अरवी. ओके, सो सी, इन अरवी अलिफ भी इनिशियल फॉर्म में, फाइनल फॉर्म में किसी के साथ नहीं जुड़ता है. रे खड़ा हरूफ है, वाव भी रे किसी के साथ नहीं जुड़ता और ये छोटी ये की एंड फॉर्म है. सो दिस इज हाउ वी राइट द वर्ड अरवी. अरवी को हम ऐसे लिखेंगे. देखिए, काउंट करिए इसमें कितने लेटर्स हैं. वन, टू, थ्री, फोर. कितने हरफ हैं? चार हरफ हैं. इसमें भी चार हरफ हैं. सो दीज आर दी चार हर्फी अल्फाज. सी माई डियर स्टूडेंट्स, यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ ड्रेस और यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म इन इंग्लिश, बट इन उर्दू वी से एक वर्दी. वर्दी इज ऑल्सो अ चार हर्फी अल्फाज. चार हर्फी अल्फाज है वर्दी. सो सी हाउ वी राइट द वर्ड वर्दी. सी हाउ वी राइट वर्दी. वाओ वर्दी, वाओ रे वाव के ऊपर क्या लगाएंगे? जबर. रे दाल जेर ये वर्दी. दिस इज हाउ वी राइट द वर्ड वर्दी. ओके, सो सी,
Yes, can you tell me what is this? Yes, this is a ink pot. But in Urdu, we say it dawat. Dawat. So see how we write the word dawat. Dawat kaise likhenge? Yes, see. Dal. Zabarda. Wow. Alif. Zabarwa. Te. Like this. This is how we write the word dawat. So see, my dear students, I have one more picture for you. Can you tell me what is this? Yes. Ginger. Ye ginger ki picture hai. But in Urdu, we say it adrak. 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 You can see this in your kitchen. Okay. Adrak. So see how we write the word adrak. See how we write. Adrak. Alif, zabar a, dal, re, zabar ra, kaf, adrak. Okay, see, alif, dal, zabar ad, re, kaf, zabar rak, adrak. Okay, my dear students, so this is how we write the char harfi alfaz. तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं, हमने किसी भी लेटर को आपस में ज्वाइन नहीं करा है. ओके माई डियर स्टूडेंट, सो टूडे वी ओनली लर्न द वर्ड्स वेयर वी कैन नॉट ज्वाइन द वर्ड्स. वी आर नॉट ज्वाइनिंग द वर्ड्स, वी आर जस्ट राइटिंग द वर्ड्स एज इट इज. लिखेंगे इनको हम और ऐसे ही पास पास करके लिख देंगे. ओके माई डियर स्टूडेंट्स, सो ओके माई डियर स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द मोर फोर लेटर वर्ड्स एंड डू द राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ द फोर लेटर वर्ड्स. ओके माई डियर स्टूडेंट्स, जज़ाकअल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़.